की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रद्द हो गई। पहलवानों के मामले में अब 22 जनवरी को अपना पक्ष रखेंगे वो, फेडरेशन से बैठक के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। बता दें कि सांसद ने मीडिया को सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करवाया, दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त बदला गया। पहले सुबह 10 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वक्त दिया गया था मीडिया को, लेकिन सांसद जी सामने नहीं आए। बाद में उनके बेटे ने प्रेस के सामने आकर ये सारी जानकारी दी कि रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया है, और 72 घंटे का जो मौका मिला था हम लोगों ने समय से किया है, और जो औपचारिक बयान जो हम अपनी तरफ से जो जारी करते, जो माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते वो 22 में AGM में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक तकरीबन 10 घंटे बीत जाने के बाद भी आखिरकार सांसद बृजभूषण सिंह ने अपनी बात मीडिया के सामने नहीं रखी। सवेरे उन्होंने 10 बजे कहा कि पीसी करेंगे, पीसी में अपना पक्ष रखेंगे, बाद में उन्होंने 4 बजे कहा कि पक्ष रखेंगे, और इसके बाद फिर 6:30 बजे कहा कि वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन इसके बाद भी वो देर शाम तक मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने कहीं रखने के लिए नहीं आए, और भेजा भी तो अपने लड़के को भेजा जो कि सदर क्षेत्र के विधायक हैं गोंडा से, उन्होंने आकर के मंच से ऐलान किया कि अब जो भी बात सांसद बृजभूषण सिंह रखेंगे वो उचित प्लेटफॉर्म पे बात करने के बाद रखेंगे, 22 तारीख के बाद रखेंगे, और 22 तारीख को अपना पूरा पक्ष जो है वो दिल्ली में फेडरेशन की मीटिंग करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे, इसके बाद फिर अयोध्या में मीटिंग होगी, उसमें आकर के सारी चीज़ें मीडिया के सामने रखी जाएंगी। बहरहाल ये सब कही तो आज की बात, लेकिन जहां तक ये बातें एक जो जन चर्चा के अनुसार सुनने को मिली वो साफ तौर पर यह था कि कहीं सनी बृजभूषण सिंह के भाग्य में प्रवेश कर गया था। बताया जाता है कि 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक उनकी राश में चांडाल का योग बन रहा था, जिसको लेकर के कहीं ऐसा फैसला तो नहीं लिया गया, क्योंकि 22 तारीख के बाद जो भी कुछ होगा, जो भी बात रखेंगे बृजभूषण सिंह, वो 22 तारीख के बाद रखेंगे। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा।